अस्सलाम वालेकुम चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पीपीएससी के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए, इंक्लूडेड लेक्चरर जॉब्स और एजुकेटर जॉब। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हेन डिड इंडिया जॉइन द यूएन? ऑप्शन ए अक्टूबर 30, 1947, ऑप्शन बी अक्टूबर 30, 1945, ऑप्शन सी सितंबर 30, 1948 एंड ऑप्शन डी है सितंबर 30, 1945। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर टू, ग्वादर पोर्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोविंस ऑफ? ग्वादर पोर्ट किस प्रोविंस में है, पंजाब, सिंध, केपीके या बलूचिस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है बलूचिस्तान। जो ग्वादर की पोर्ट है, इसको जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इसको डिवेल्प करने का, वो 1990 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इसको तामीर किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम? 3, 5, 6 या 7? पाकिस्तान के नेशनल एंथम में टोटल कितने स्टैंजा हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 3। ये पाकिस्तान के कौमी तराने का म्यूज़िक अहमद जी छागला ने 1950 में तख्लीक किया था और तराना लिखा था अब्दुल हफीज जलंधरी ने 1951 में, और इसको कौमी तराने के तौर पर 1954 में अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पीआईए? इंडिपेंडेंस एयरवे, ओरिएंट एयरवे, कलौची एयरवे, एयर पाकिस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ओरिएंट एयरवे। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? इस्लामिक पाकिस्तान, ऑप्शन बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, चौधरी मोहम्मद अली? तो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहा जाता है। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? लॉ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट मिनिस्टर? तो इसका दुरुस्त जवाब है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? पाकिस्तान एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट? तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को तेज़ करने के लिए जो सबसे पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कानून साज असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद कब पास की? ऑप्शन ए 19 जून 1949, बी 14 फरवरी 1949, सी 15 अगस्त 1949 और ऑप्शन डी है 12 मार्च 1949। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कैद आज़म, मौलवी तमीज़ुद्दीन, सरदार अब्दुल रब निस्तर, लियाकत अली खां? तो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर्स, 5 ईयर्स?
तो इसका दुरुस्त जवाब है 9 ईयर्स, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अनाउंस इज फार्मूला टू सीक द कोऑपरेशन बिटवीन द नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए मार्च 30, 1944, ऑप्शन बी मार्च 30, 1942, ऑप्शन सी मार्च 30, 1940 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मार्च 30। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेवल वाज एंडेड। ऑप्शन ए जुलाई 14, ऑप्शन बी जून 14, 1945, ऑप्शन सी अगस्त 14, 1945 और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए जुलाई 14, 1945। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेजी मूवमेंट वाज प्राइमरली रिलीजियस मूवमेंट, दुध मियाँ ट्रांसफेरेड इट टू डैश मूवमेंट। गोरिल्ला, ऑप्शन बी पॉलिटिकल, ऑप्शन सी एजुकेशनल, ऑप्शन डी कल्चरल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गोरिल्ला। क्वेश्चन 16, बाई हाउ मैनी मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज इनलार्ज्ड अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 5, 3, 4 और 6। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सर सैयद अहमद खान वर्किंग पोस्टेड। बिजनौर, दिल्ली, अलीगढ़, नन ऑफ दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 18, सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश ए ट्रांसलेशन सोसाइटी इन 1864, इन विच टाउन ऑफ वाज इट फाउंडेड। सैयद अहमद खान ने 1864 में जो साइंटिफिक सोसाइटी कायम की वो कहाँ पे कायम की गई, गाजीपुर, बिजनौर, अलीगढ़, नन ऑफ दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 19, इन 1867 सम प्रोमिनेंट हिंदूज ऑफ बनारस लॉन्च द मूवमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू रिटन इन नस्तलिक बाई हिंदी रिटन इन देवानगरी स्क्रिप्ट एज द कोर्ट लैंग्वेज। इन विच प्रोवेंस वाज दिस मूवमेंट स्टार्टेड, किस प्रोवेंस में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है सेंट्रल प्रोवेंसेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम पोलिटिकल बॉडी कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज ए होल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। किस मुस्लिम लीडर ने बंगाल की पार्टीशन कैंसिल होने के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम ए रिपब्लिक। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1956, पाकिस्तान बिकेम ए फेडरल रिपब्लिक इन 1956। क्वेश्चन नंबर 23, फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली अल्टर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फेवर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनी वन कैन बी क्रिएटेड विद क्रिएटिंग ए नेशन स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना डिड डाल थ्री, वो मेड दीज रिमार्क्स अबाउट कैद आजम। कैद आजम के बारे में ये रिमार्क्स किसने दिए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए स्टैनले वॉलपार्ट। क्वेश्चन 24, टू होम हाली रेफर एज फादर ऑफ मुस्लिम इंडिया। हाली ने किस को फादर ऑफ मुस्लिम इंडिया कहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 25, फाउंडर ऑफ फ्राइजी मूवमेंट इन 1802 वाज हाजी शरीयतुल्ला, तितुमीर, शाह वलीउल्ला, सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्ला।